खोड विद्युत वितरण केंद्र की व्यवस्था देखकर लग रहा है कि खोड के साथ पिछौर डिवीजन के आला अधिकारी भी नहीं चाहते कि खोड और आसपास के क्षेत्र की विद्युत व्यवस्था को सुधार कर विद्युत उपभोक्ताओं को हो रही परेशानी को दूर किया जाए, क्योंकि जिस तरीके से कार्य प्रणाली का निर्वहन अधिकारी कर्मचारी के द्वारा किया जा रहा है, ये तो इनके कार्य की मंशा को दर्शा रहा है। आपको बताते हैं कि विगत दिनों भी विद्युत विभाग की लापरवाही के कारण करंट लगने से गाय की मौत हो गई थी। इसके बाद लोगों में गुस्सा था। सभी लोग विद्युत विभाग के द्वारा की जा रही कटौती और भ्रष्टाचार लापरवाही से परेशान है। उपभोक्ताओं का कहना है कि हमने फोन से बात कर कई बार अधिकारियों से विद्युत कटौती और अन्य विद्युत विषय से संबंधित जानकारी ली। इसमें आला अधिकारी स्वयं पैसे लेना स्वीकार कर रहे हैं। इस समस्या से प्रशासन को अवगत कराने के उद्देश्य से कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश कैबिनेट मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया से लोगों के द्वारा निवेदन किया गया था, फिर भी विभाग के द्वारा श्रीमंत महाराज के आदेश की अवहेलना की जा रही है। जैसे हमारे संवाददाता आबिद खान के द्वारा उद्योग हकीकत में 20 जुलाई के अंक में विद्युत विभाग की लापरवाही से हुई गाय की मौत नामक शीर्षक से खबर प्रकाशित की थी। इसके बाद एमपीवी अधिकारियों के द्वारा समस्या का समाधान न करते हुए ऊपर से दबाव बनाया गया। आपको बता दें कि पत्रकार के घर करीब 20 लोगों के साथ इनमें कुछ बंदूकधारी गार्ड भी गए थे और वहां पर पत्रकार के ऊपर दबाव बनाया गया और वहां पर ओवरलोड की औपचारिक कार्रवाई ये लोग करने लगे, जिस पर पत्रकार के द्वारा कहा गया कि आप लोग केवल मात्र मेरे ही मकान की चेकिंग ना करते हुए आसपास चेकिंग क्यों नहीं कर रहे। तो उनका कहना था कि ऊपर से आदेश है। विद्युत विभाग के अधिकारियों की इस तरह की कार्यप्रणाली दिखाती है कि वो किस तरीके से अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। डीपी पर ट्रांसफार्मर नहीं आया है जहां घटना में गाय की मौत हुई थी। खास बात यह है कि खोड में दर्जनों ऐसे मकान हैं जहां 2 से लेकर 3-3 एयर कंडीशनर लगे हुए हैं, लेकिन वहां पर अधिकारियों ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। वहीं डीजीएम पिछुआ नारायण दास स्वर्णकार का कहना है कि हमारे द्वारा जो चेकिंग की जा रही है वो हम अपनी मर्जी से करेंगे। आपके मकान की चेकिंग की गई है वो हमने कर ली है, हमें सैंपल चेकिंग करना है। आप चाहें तो आप किसी से भी पैसे लेने का आरोप हम पर लगा सकते हैं।